रहीम स्टूडेंट्स पी आर सी फोर में हमारा चैप्टर नंबर वन दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने जो है वो हेड्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बात करी थी कि देर आर फाइव हेड्स ऑफ अकाउंट्स एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंसिस एंड रेवेन्यूज आज जो है इनशाला इस वीडियो के अंदर हम जो है इन हेड्स ऑफ अकाउंट्स को इन डिटेल में जो है हम बात करेंगे कि वॉट डू यू मीन बाई एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यूज़ इसके क्या क्या टाइप्स हैं इनकी क्या डेफिनेशन है तो इन डिटेल हम जो है इनशाला इसको डिस्कस करेंगे uh, पहला हेड ऑफ अकाउंट जो है दैट इज एसेट्स जो कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट अपनी वीडियोस में देखा था कि इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स जितने भी रिसोर्स बिजनेस में लगे हुए हैं दैट इज कॉल्ड एसेट्स अब इसकी एक और भी डेफिनेशन जो है रिसोर्सिस के अंदर है ऑल द रिसोर्स विच आर कंट्रोल बाय एंटिटी एंड गिव बेनिफिट टू द एंटिटी और द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट वो तमाम के तमाम ऐसे एसेट्स जिसको जिसका कंट्रोल जो है वो एंटिटी या बिजनेस के पास हो और साथ, साथ उससे जो बेनिफिट ड्राइव होगा वो भी एंटिटी या बिजनेस की तरफ जाएगा दे ऑल आर सेट टू बी एसेट्स अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने जो एसेट्स को जो पहला हेड ऑफ अकाउंट है उसको ब्रॉडली जो है डिस्ट्रीब्यूट uh, कराए दो डिफरेंट टाइप्स में दैट इज टेंजेबल एसेट्स एंड इन टेंजेबल एसिड्स तो आपके पास जो टेंजेबल एसेट्स हैं और जो इनटेंजल एसेट्स हैं इन दोनों में क्या क्या डिफ्रेंशिएट है क्या है तो इसके ऊपर जरा जरा देखते हैं टेंजेबल एसेट्स की डेफिनेशन ये है कि विच कैन बी सीन कैन बी टच जो कि हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं सेकेंड uh, पॉइंट अगर आप देखें तो है विद फिजिकल सब्सटेंस यानी विच कैन बी सीन भी है और कैन बी टच भी है और फिर है विद फिजिकल सब्सटेंस तो आप याद रखिएगा कि टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसिड्स विच कैन बी सीन कैन बी टच और विच कैन विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस इज दे आर कॉल्ड टेंजेबल एसेट्स ऑन द अदर हैंड जो इनटेंजेबल एसेट्स हैं विच कैन नॉट बीन सीन कैन नॉट बीन टच ना उसको हम देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं और फिर सेकेंड पॉइंट में है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस विदाउट फिजिकल सब्सटेंस ना उसकी फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल कापी राइट्स पेटेंट्स आपके पास जो है लाइसेंस हो गया इम्पोर्ट लाइसेंस हो गया दे ऑल आर कॉल्ड इंटेंजल एसेट्स इसकी एक एग्जाम्पल यूँ होते हैं कि आप कोई फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलें तो आप कोई भी अपने फैमिली नेम्स पे या अपने किसी भी बच्चों के नाम पे जो है वो शॉप जो है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नाम लिख सकते हैं रख सकते हैं लेकिन आप कोई ब्रांडेड जो है आपके जो चेंज हैं उसका कोई भी नाम आप नहीं रख सकते यानी फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स है आपके पास के एफ सी है पिज़्ज़ा हट है इनके आपको राइट्स देने पड़ेंगे और इसकी पूरी एक प्रॉपर जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन और सारे लीगल जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी और इसके बाद आपको उसके राइट्स मिलेंगे तो वो तमाम के तमाम ऐसे एसेट्स जो कि आपने किसी से राइट्स ख़रीदे हो फिर उसका बेनिफिट भी आपके पास आएगा और उसके कंट्रोल भी आपके पास होगा दे आर कॉल्ड एज इनटेंजेबल एसेट्स अब जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनको फिर ब्रेकअप करा है दो डिफरेंट पार्ट्स में एक है आपके पास नॉन करंट एसेट्स और एक सेकेंड वन इज द करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को जो है फिक्स एसेट भी कहते हैं और इसकी डेफिनेशन में अगर देखें कि नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं तो नॉन करेंट एसेट्स आर विच कैन बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ऐसे तमाम के तमाम एसिड जो एक साल से ज़्यादा कम से कम एक साल से ज़्यादा अरसे तक यूज़ करते रहें तो दे आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स और इससे सेकंड पॉइंट अगर देख रहे हैं विच कैन नॉट चेंज देयर शेप इजीली वो अपना शेप जो है इतनी जल्दी चेंज भी नहीं करते ऑन द अदर हैंड अगर आप करंट एसिड्स की बात करें तो विच कैन बी यूज़ विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड एंड दे कैन चेंज देयर शेप ईजीली ये अपना जो है शेप भी बहुत आसानी से जो है चेंज कर लेते हैं और अगर आप नॉन करंट एसिड्स की एग्जाम्पल्स देखें तो आपके पास लैंड बिल्डिंग शॉप ऑफिस फर्नीचर हो गया आपके पास प्लांट एंड मशीनरी हो गई फैक्ट्री हो गया प्रेमिस हो गया वेयर हाउस डिलीवरी वैन्स आपके पास मोटर व्हीकल आर द बेस्ट एवर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स एसेट और यू कैन से दैट नॉन करंट अगर आप जो है करंट बात करें विच कैन यूज विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड जो अपने शेप जो है एक साल में उनके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होता रहता है फ्लक्चुएट होता रहता है फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल पाँच लाख रुपए पड़े हुए थे अब आपने किसी को पेमेंट कर दी तो डेफिनेटली वो कम हो गए फिर किसी कस्टमर की पेमेंट आ गई तो पूरे तीन सौ पैंसठ दिन में पता नहीं बैंक अकाउंट कितनी मरतबा फ्लक्चुएट होगा कैश एंड हैंड कैश एट बैंक हो गया आपके पास स्टॉक हो गया आपके पास आपके पास जो गुड्स जो आपके शॉप में पड़ा हुआ है बहुत सारे कस्टमर्स आ गए आज बहुत सारी सेल्स हो गई तो आपका जो है गुड्स या जो आप कहें स्टॉक जो है कम हो गया कल सप्लाई की तरफ से और ज्यादा आ गए तो फिर सारी दुकान जो है भर गई तो पूरे तीन सौ पैंसठ थ्री ओवर द पीरियड ऑफ ऑफ वन ईयर थ्री सिक्सटी फाइव डेज में स्टॉक काफी मरतबा आपका फ्लक्चुएट होगा फिर आपके यहाँ आप प्रीपेड हो गए फिर आपके यहाँ अकाउंट रिसीवेबल हो गया ये ऑल आर द बेस्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स तो ये हमारा पहला हेड ऑफ अकाउंट जो जो है जो है दैट इज़ एसेट आउट हुआ अब हम जो अगर सेकेंड हैंड ऑफ अकाउंट की बात करें दैट इज लाइबिलिटीज तो इसकी डेफिनेशन ये है बिजनेस uh, सबसे पहले जो हमने अकाउंटिंग में करी थी अगर उससे बात लें तो रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लाइबिलिटीज तो इसकी सेकेंड डेफिनेशन ये क्या है रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लाइबिलिटीज और बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लाइबलिटीज कारोबारी कर्जा वो तमाम के तमाम पैसे जो हमने किसी से उधार लिए बिज़नेस ने और उसको हमें पे बैक करना हो विच वी हैव टू पे बैक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी बैंक से लोन लिया हो किसी इंस्टीट्यूशन से लिया हो किसी आपने रिश्तेदार से लिया हो लेकिन डेफिनेटली आपको उसको पे बैक करना पड़ेगा तो दे आर कॉल्ड लाइबलिटीज़ अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने उस लाइबलिटीज़ को भी दो हिस्सों में डिवाइड करा है और वो आपके पास क्या है आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और एक आपके पास हो गया शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या क्या है विच कैन बी सेटल्ड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड वो तमाम के तमाम ऐसे कर्जे कारोबारी कर्जे जो आपको एक साल के ज्यादा अरसे में देना हो वो तमाम के तमाम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है गाड़ियाँ जो है इंस्टॉलमेंट पर जो है बैंक से निकलवाते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट का जो ड्यूरेशन है या जो इसका प्लान बनता है वो तीन साल का होता है पाँच साल का सात साल का होता है तो ये आपका मोरगेज हो गया आपने अपने जो है प्रॉपर्टी जो है बैंक में रखवाई और उसके अगेंस्ट में आपने जो है लोन ले लिया अब वो तीन साल पाँच साल दस साल में जब भी आप पे ऑफ़ करोगे इसके बाद आपको जो है उसके जो है मोरगेज वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस मिल जाएंगे तो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ऑन द अदर हैंड जो आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज विच कैन बी सेटल विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड उसको पे ऑफ करने के लिए आपको लंबा अर्सा नहीं मिलता कुछ दिन कुछ महीने मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर्स यानी आपके जो सप्लायर्स जिनसे हम गुड्स जो है ऑन क्रेडिट लेते हैं तो आपको टाइम पीरियड देते हैं तीस दिन का सिक्सटी डेज मैक्सिमम हो गया तो नाइन्टी डेज़ दैट इज़ थ्री मंथ्स आपकी यूटिलिटी बिल्स आते हैं देखा होगा हमारे घरों पे लाइट का जो बिल आता है उसकी एक जो है आपके पास ड्यू डेट होती है वो हार्डली मेरे ख्याल दस या पंद्रह दिन होते हैं उस दस पंद्रह दिन के अंदर अगर आप पे ऑफ कर दोगे तो आपको जो है एक सर्टन अमाउंट है वरा आपके पेनल्टी लगती है आपके जो है एजुकेशन के हमारे स्कूल्स के जो बच्चों के वाउचर्स आते हैं उसकी भी एक पेनल्टी जो है आपके पास एक ड्यू डेट होती है पांच या दस तारीख तक पे ऑफ करने होते हैं सैलरीज जो हमें जो सैलरी हमारी एम्प्लॉज को जो देने होते हैं वो कहीं पे किसी जगह पे पांच तारीख को देने होते हैं कभी दस तारीख को देने होते हैं दे ऑल आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज तो ये हमारा दूसरा हेड ऑफ अकाउंट हो गया दैट इज लाइबलिटीज तीसरे हेड ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल रिसोर्सिस सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल जो आपका तीसरा हेड था पहला एसेट कंप्लीट हुआ फिर देन लाइबिलिटीज अब आ गया आपका कैपिटल सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल जो कि हमने अकाउंटिंग में पहले भी डिस्कस किया था तो एक और डेफिनेशन होती है कैपिटल की रे, रेसिडुअल क्लेम बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल और कैपिटल की कोई जो है काइंड वगैरह या कोई टाइप नहीं है तो ये सिंपली जो है आपका तीसरा हेड ऑफ अकाउंट वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो ओनर सप्लाई करता है कैपिटल सेट टू बी कैपिटल जो बिजनेस में ओनर लेकर आता है अपने पास से जाती दैट इज कॉल्ड कैपिटल आपके पास ये तीनों हेड्स हमने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पहले डिस्कस किया था दैट इज एसेट्स एसे कैपिटल अब ये चौथा हेड ऑफ अकाउंट आया है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यूज आप देखें तो दुनिया का कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जो बग़ैर एक्सपेंसेस के चल सके बिज़नेस की कोशिश होती है कि कम से कम एक्सपेंसेस किए जाएं, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको हमेशा आपको थ्रू आउट द लाइफ करने पड़ेंगे आप शॉप पे जाते हैं आप फैक्ट्री पे जाते हैं आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं कहीं पे भी आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करा हुआ है तो डेफिनेटली आपकी लाइट जरूर कंज्यूम होगी और जब आप लाइट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका यूटिलिटी बिल आएगा जाहिर सी बात है आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा है तो सारे काम आप नहीं कर सकते तो ना चाहते हुए भी आपको दो तीन एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे और जब आप बंदों की रिसोर्सेज जो है आप जो है हायर करेंगे तो उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी इस तरह से आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है अगर आप जो है घर से जाते हैं तो डेफ़िनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करते हो तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे अगर आपका ख़ुद का जो है अगर फॉर uh, एग्जांपल जो है ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए भी आपको फ्यूल और उसकी मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी इन द सेम वे आपके पास लास्ट वन जो है ये आपके पास सारे एक्सपेंसिज हो गए इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो गया सैलरीज हो गया वेजेस हो गए इंश्योरेंस हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया आर द बेस्ट एवर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिस लास्ट वन इज रेवेन्यूज रेवेन्यूज आर जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेंडेड सर्विसेस यानी कि आप जो है कुछ गुड्स बेच के जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके बेच सकते या फिर आप अपनी खिदमत दोगे दैट इज कॉल्ड आपके पास रेवेन्यूज तो इसमें आपका कमीशन इनकम हो गई सर्विस इनकम हो गई सेल हो गई आर द बेस्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यूज अब लास्ट में एक चीज़ देखो तो ये हमने पांचों हेड्स को जो आज जो है डिस्कस किया एसेट्स लाइबिलिटीज़ कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज तो अगर आप देखो तो एसेट्स वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हमने बिजनेस में रखे हैं दे आर कॉल्ड एसेट्स अब इसके बाद आपने वो एसेट्स जो है जितने भी रिसोर्सेज लगाए थे बिज़नेस में वो अगर कम पड़ गए तो आपने जो है लोगों से बोरो करके लिए यानी लाइबिलिटीज़ हो गई और ओनर ने अपने पर्सनल सारे रिसोर्स भी लगा दिए दैट इज कॉप कैपिटल और फिर उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने दुनिया जहाँ के सारे एक्सपेंसेस भी कर दिए दैट इज एक्सपेंसेस यानी एसेट हो गया देन लाइबिलिटीज हो गया देन कैपिटल हो गया फिर एक्सपेंसेस हो गया और अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमने रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए करी हैं तो इट्स ऑल अबाउट द हेड्स ऑफ अकाउंट इनशाला होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये हेड्स ऑफ़ अकाउंट को हमने इन डिटेल में कर रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे आगे बात करेंगे थैंक यू